तो हे व्हाट्सअप गाइस, तो हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में आपको मैं जो फ्री फॉर एडिटिंग एप्स 2021 के अंदर जो अभी टॉप पे चल रहे हैं वो आपको बताऊंगा। तो बेशक वो फ्री नहीं होंगे, लेकिन उनका मैं जो प्रीमियम वर्जन वो है वो अवेलेबल करवा दूंगा। तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा चारों एप्लीकेशन की, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो जो वो ऐप फोर एप्लीकेशन है वो पर्सनली मैं भी यूज़ करता हूँ अपनी फ़ोटो एडिटिंग के लिए। तो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि मैं कैसी फ़ोटो एडिट करता हूँ। तो वो सारी की सारी फ़ोटो एडिट मैं अपनी उन्हीं एप्लीकेशन से करता हूँ। वो फोर एप्लीकेशन है ज़्यादातर जिनसे का मैं यूज़ करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन निकल के आती है वो आती है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन, जो काफ़ी एडिटर यूज़ भी करते हैं पर्सनली अपने। सबसे पहले जो ये एप्लीकेशन है इसके अंदर आपको फ़ोटो ऐड करनी होती है, कोई सी भी फ़ोटो एक ऐड कर लेते हैं। तो इसमें कई सारे आपको टूल मिल जाते हैं एडिटिंग से रिलेटेड जो भी आपको चाहिए होते हैं, जैसे क्रॉप टूल, फ्री क्रॉप टूल और स्टर्न और बहुत सारे मिल जाते हैं, क्लोन, रिमूव, स्ट्रेच, मोशन और ये कर्व टूल भी मिल जाता है, एडजस्ट टूल भी मिल जाता है। एडजस्ट टूल के अंदर आप जाके सिंपली आ सकते क्या कर सकते हो कि अपनी जो फ़ोटो में ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट ये सब सेट कर सकते हो। और कर्व टूल में जाके आप वार्म टोन, जो भी हाईलाइट या कुछ भी फ़ोटो के अंदर है तो आप उससे को भी सेट मतलब सेट कर सकते हो। तो सिंपली वो सारे टूल आप लाइट रूम में भी ऐड मतलब यूज़ कर सकते हो। तो अभी सिंपली हम इसके जो इफ़ेक्ट है उसके बारे में देख ही सकते हो आप कितने बड़े बड़े इफ़ेक्ट हैं इसके अंदर। तो ऐसे इफेक्ट आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में मिलेंगे, वो भी प्रीमियम वाले में। तो प्रीमियम की जो एप्लीकेशन की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो इसके अंदर आप देख ही सकते हो कितने सारे फ़िल्टर हैं, जैसे इफ़ेक्ट भी हैं, ग्लिज इफेक्ट हैं और HDR इफेक्ट, मतलब बहुत तरह के इफेक्ट हैं इसके अंदर, वही फ्री, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और स्क्रैच में जाके जो स्केच है, स्केच में जाके आप देख ही सकते हो, जो ये स्केच है ये अभी जो ट्रेंडिंग में कुछ दिनों पहले ट्रेंडिंग में चल रहा था, जो एडिटिंग ट्रेंडिंग में चल रही थी वो सिंपली यही है। तो देख ही सकते हो आप कितनी अच्छी तरह से। और ये देखो ब्लर भी इसमें कर सकते हो आप अपने बैकग्राउंड में, अगर जो जिसका ब्लर नहीं मतलब DSLR नहीं है जिसके पास, तो वो सिंपली यहाँ से भी ब्लर अपनी फ़ोटो में कर सकता है। और ऑयल इफेक्ट जो CV एडिटिंग की मुझे याद दिलाता है, जो मैं पहले करता था CV एडिट, तो CV एडिट में सिंपली जो वो ऑयल पेंट करता था वो पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। तो हाँ से आप ऑयल पेंट भी कर सकते हो अपनी फ़ोटो के अंदर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब चलते हैं आगे, इसको हटा लेते हैं। तो सिंपली थोड़ा मेरा नेट स्लो चल रहा है। तो मैजिक पॉप आर्ट में भी आपको वही इफेक्ट मिल जाएंगे जो उसमें मिलते थे आपको फिल्टर में। चलो अब अलग चलते हैं। तो ब्यूटी में जो ब्यूटी है आपका, इसके अंदर आपको ब्यूटी से रिलेटेड जितने भी टूल हैं वो सभी देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपली आप इसको भी कट कर लेते हैं हम। तो अब आगे चलते हैं, आगे आपको मिलता है कि हाँ इसमें कटआउट है, इससे आप अपने बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं बड़े आराम से, जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी। देखना सिंपली क्या करना है आपको, ऐसे 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 बस सिंपली कर लेना है और अपने बैकग्राउंड को इरेज कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। थोड़ा इसको सिलेक्ट करने के बाद आप देख ही सकते हो कि मैं थोड़ा इसको इरेज कर लेता हूँ क्योंकि सही से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो सिलेक्शन ये ज़्यादातर जो है फ़ोटोज़ के अंदर वो खुद ही कर लेता है, तो ज़्यादातर फ़ोटोज़ में अपने आप करनी पड़ती है सिलेक्शन, थोड़ी बहुत रह जाती है जो। तो सिंपली आप सिलेक्शन कर लीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद। सिंपली आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट आया है, लेकिन बस ये कि मैंने थोड़ा टाइम नहीं लगाया क्योंकि मुझे नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में भी बताना है आपको। तो सिंपली इसको भी हटाते हैं, आप सीधे चलते हैं अपने मतलब टेक्स्ट के अंदर। इसके अंदर आपको टेक्स्ट भी मिल जाते हैं और अलग अलग तरीके से फॉन्ट्स भी मिल जाते हैं जो आपको इसी एप्लीकेशन के अंदर मिल जाते हैं, तो बहुत सारे होंगे। उससे आप अपने थंबनेल या कोई भी अपना नाम या कुछ भी लिख के अपनी फ़ोटो में लगा सकते हैं।
तो देख ही सकते हैं। मैंने भी अपना जो चैनल का नेम है CGA, तो उसको भी मैंने ऐसी देखो लगा लिया है। और इसके अंदर आप कलर भी चेंज कर सकते हो, स्टॉक भी लगा सकते हो उसका तो, और इसका जो शेडोज है शेडोज भी बना सकते हो इसके ऊपर। तो अब इसको भी हटा लेते हैं। जो नेक्स्ट है जो ऐड फोटो, यहाँ से आप कोई PNG अपनी ऐड कर सकते हो इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर, जो भी PNG अपनी फ़ोटो में लगाना चाहते हो। इसका मैं ब्लेंडिंग मोड इसका हटा दे के स्क्रीन कर देता हूँ, देख ही सकते हो आप। तो ये PNG यूज़ हो चुकी है, तो कितनी बढ़िया लग रही थी। अब चलते हैं ड्रॉ टूल, ड्रॉ नहीं ये है पहले एक्सप्रेस रेडियो वाला जो एप्लीकेशन मतलब इसका टूल है वो बढ़िया है। इससे आप किसी भी मतलब एक्सप्रेस रेडियो में अपनी फ़ोटो को बना सकते हैं, जिससे किसी भी एप्लीकेशन पर अपलोड कर सकते हो आप। तो अब ड्रॉ टूल के अंदर सिंपली आप वही काम कर सकते हो जो करते हो। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जो होने वाली है अपनी स्नैपशीट। जो हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन निकल के आती है वो आती है स्नैपशीट एप्लीकेशन। तो सिंपली आपका आपको इसके अंदर पहले एक फ़ोटो है ऐड कर लेनी है, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। तो सिंपली मैं आपको ऐड कर ले एक फ़ोटो ऐड करके दिखा देता हूँ इसके अंदर। तो जो इसका मेन टूल जो है पहले टोन इमेज है, तो टोन इमेज के अंदर आपको क्या मिलता है कि ब्राइटनेस सेट कर सकते हो, एम्बिएंट शैडोज लाइट कॉन्ट्रास्ट जो भी आपको सेट करना है तो वो आप कर सकते हो। जो नेक्स्ट है डिटेल में आप अपनी फ़ोटो की शार्प एंड और जो भी है मतलब शार्प कर सकते हो अपनी फ़ोटो को। जो नेक्स्ट टूल जो इंपॉर्टेंट टूल है वो है सिलेक्टिव टूल इसका, जो सिंपली आप पर्टिकुलर एरिया की ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट सैचुरेशन ये सब कुछ बढ़ा सकते हो, ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हो। तो मेन जो टूल वो यही है इस एप्लीकेशन का जिसका आप सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। और जो नेक्स्ट टूल है वो पोर्ट्रेट टूल है, जो पोर्ट्रेट टूल है इसके अंदर आप अपनी फेस की ब्राइटनेस और स्मूथनेस और आइस की क्लैरिटी बढ़ा सकते हो, जो सिंपली मैं कर रहा हूँ आपको भी दिख रहा होगा। जो मेन जो भी एडिटर्स हैं वो सभी इसी एप्लीकेशन में सिर्फ इन्हीं तीन चार ऐप जो टूल हैं उनको यूज़ करते हैं। तो सिंपली जो इसका एक और टूल है वो हीलिंग टूल है, तो हीलिंग टूल को आप कैसे यूज़ कर सकते हो तो अभी वो भी मैं बताता हूँ। जो हीलिंग टूल है उस पर टच करने के बाद जो आपका कोई भी एरिया पर्टिकुलर एरिया आप वहाँ से उस चीज़ को हटा भी सकते हो जिस चीज़ को आप नहीं चाहते हो कि वहाँ पर हो वो, जैसे कि मैंने हटा लिया, जैसे कि एक और एग्जाम्पल इसको भी हटा लेते हैं हम। तो आपको देख ही सकते हो आप कैसे मैंने हटाया सब की चीज़ों को। तो सिंपली इस एप्लीकेशन के अंदर आप सिर्फ इन टूल का यूज़ करके आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट जो भी हमारा एप्लीकेशन उसकी तरफ। जो हमारा नेक्स्ट टूल निकल के आता है वो आता है हमारा Lightroom एप्लीकेशन, जो जितने भी एडिटर हैं सबसे ज़्यादा यूज़ इसी एप्लीकेशन का करते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन कलर ग्रेडिंग के मामले में नेक्स्ट लेवल है जिसे कहते हैं, कोई टक्कर ही नहीं ले सकता इस एप्लीकेशन की, ऐसा मतलब कलर ग्रेडिंग ये एप्लीकेशन करती है। तो आप सिंपली आपको एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने याली फ़ोटो अपनी ऐड कर ली है, तो इसका मैं एक्सपोजर थोड़ा कम करूँगा और एक्सपोजर थोड़ा सा मतलब कमी ज़्यादा ही करूँगा, क्योंकि इसकी फ़ोटो का कॉन्ट्रास्ट बढ़ा लूँगा हाईलाइट कम करके, और इसकी शेडोज़ को भी हल्का सा बढ़ाऊँगा नहीं तो वाइट बैलेंस को थोड़ा बढ़ा के, तो इसका ब्लैक हेड्स है उसको थोड़ा सा कम कर लूँगा। तो अब नेक्स्ट कलर है इसके अंदर वाइब्रेंस को बढ़ा के सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर लेंगे, और इसके बाद मिक्स टूल में जाने के बाद अब इसका कमाल देखना। ये मेन हमने फेस कलर को इसका थोड़ा सेट कर लिया, ब्राइटनेस को बढ़ा लिया, इसकी लुमिनस को भी बढ़ा लिया। तो अब जो इसका कलर है वो सिलेक्ट कर लेते हैं येलो कलर में तो शायद ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ग्रीन कलर देखते हैं। ग्रीन कलर को भी हमने एडजस्ट कर लिया, और अब जो पिंक कलर है वो ही देख ही सकते हो, मतलब जान डाल दिया फोटो के अंदर अलग ही तरह की। तो ये ज़्यादातर जो भी एडिटर्स हैं वो सभी इसे एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि इस एप्लीकेशन का कलर ग्रेडिंग मतलब ऐसा है ना लाइक PC की तरह पूरा। तो ज़्यादातर एडिटर इसको यूज़ करते हैं जो भी मोबाइल में फ़ोटो एडिटिंग करते हैं अपनी, तो जैसे कि मैं करता हूँ, तो मैं भी इसका पर्सनली बहुत यूज़ करता हूँ, जो मुझे अपनी फ़ोटो मतलब फ़ोटो में जान डालने का मतलब एक मदद मिलती है इससे। तो फ़ोटो में अलग तरीके की जान यही एप्लीकेशन डालती है, तो सिंपली देख ही सकते हो मतलब फ़ोटो क्या थी और क्या बन जाती है इसके एडिट करने के बाद। तो इसका भी मैं प्रीमियम जो वर्जन है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो सिंपली आप देख ही सकते हो मतलब जान डाल दिया फ़ोटो में अलग ही, तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से जाके डाउनलोड करो जल्दी। और डूड अभी तक मेरा जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो जाके मेरे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो,
और सिंपली मेरा बेल आइकन पे टच करके बेल आइकन पे अलाउ कर दो, फुल मतलब दबा दो अच्छे से, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलते अब सिंपली देख ही सकते हो, इसके अंदर सिलेक्टिव टूल भी आपका ऑन है, जो सीधा प्रीमियम जो वर्जन आता है उसी के अंदर होता है। तो वो प्रीमियम वर्जन की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना सिंपली आप, वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा लिंक। तो सिंपली अपन नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, जो हमारा होने वाला है ऑटोडेस्क स्केचबुक। तो चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। तो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन निकल के आती है वो आती है ऑटोडेस्क स्केचबुक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इससे आप अपने एयर्स को एडिट कर सकते हो, अपनी स्किन स्मूथ कर सकते हो, वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से। तो सिंपली आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो सिंपली एक फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ, मेरी तो सारी स्किन स्मूथ ही होगी क्योंकि मेरे पास कोई ज़्यादा पिंपल दाने भी नहीं है। तो मैं अपने किसी फ्रेंड की फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि सिंपली मैं इसकी कर लेता हूँ। तो इसके मतलब इसकी फेस पे देखो 12 बजे पड़े हैं, तो अभी इसकी एडिटिंग करेंगे, फेस की स्किन स्मूथ करेंगे, रिटच करेंगे। तो इसका स्मूथ जो स्मूथ टूल्स हैं वो सारे A to Z जितने परफेक्ट टूल हैं। तो स्मूथ टूल में जो मेन टूल जो है आपको दिख ही रहा है वो मैं सिलेक्ट कर लिया है, स्मूथ ब्रश रिमाइंड जो भी है उसको सिलेक्ट करने के बाद, इसका जो है सब हर एक चीज़ कम करने के बाद जो साइज़ है वो बढ़ा लेने हैं बस। इसके बाद अपने जहाँ जहाँ आपको स्मूथ करनी है वहाँ पे बस, इसके बाद इसको बस यूज़ करते रहो जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो सिंपली आप देख ही सकते हो कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है हमें, एकदम स्किन स्मूथ हो जा रही है बिना कुछ मतलब कोई मतलब इसमें कोई गलती हो ही नहीं रही है एकदम, मतलब बढ़िया तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। जितना मतलब थोड़ा टाइम लगाओगे उतनी एकदम अच्छी आपकी जो फ़ोटो है, जो फ़ोटो में रिटच होगा वो मतलब फेस रिटचिंग होगा वो एकदम बढ़िया होगा, मतलब एकदम मज़ा आ जाएगा जिसे कहते हैं। लाइक जैसे आप PC में करते हो वैसे सिंपली आप इसमें भी कर सकते हो, एकदम सॉफ्ट स्किन कर सकते हो अपनी। तो सिंपली जैसे कि मैं कर रहा हूँ, देखो पूरी स्किन मैंने स्मूथ कर ली है, अब बस थोड़ी बहुत जो रह गई है वो कर लेते हैं। और जो अब आपको मैं आपको बस हेयर एडिट करके दिखाऊंगा, तो हेयर के लिए जो इसका पहला टूल है वही है सबसे बढ़िया। तो आप देख ही सकते हो आप हेयर में एडिट करूंगा कितनी बड़ी तरीके से एडिट करता हूं, देख लो आप। तो सिंपली आप इस जो इस एप्लीकेशन का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना सिंपली। तो इस एप्लीकेशन का भी मैं जो प्रीमियम वर्जन है वो आपको दूंगा, तो वो भी आप डाउनलोड कर लेना। ये देखो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, बस जो इसके हेयर है उसके ऊपर मतलब लाइनें करनी है जैसे कि मैं कर रहा हूँ एक के बाद एक। तो सिंपली आपके भी हेयर एडिट हो जाएंगे, बस ये कि हाँ थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी हर एप्लीकेशन को यूज़ करने में, जो एक दो दिन तो लगेंगे, ज़्यादा भी लग सकते हैं। मैंने तो बहुत दिन लगा दिए थे सीखने में, तो क्योंकि मैंने खुद अपने आप ही सीखा, मुझे किसी ने बताया नहीं कि ये एप्लीकेशन यूज़ करो वो। तो बस सिंपली मैं बस ये कि हाँ जब मुझे पता चला कि यूट्यूब से बस सीखते हैं, तो फिर मैं यूट्यूब पे आया, यूट्यूब से मैंने भी सीखा सब कुछ जो भी है। मेरी लाइव जर्नी मैंने स्टार्ट करी थी एडिटिंग की, वहीं से स्टार्ट करी थी 7th क्लास में अपनी। तो सिंपली आप देख ही सकते हो कि आज 7th क्लास से मैं, अब मेरी 12th क्लास चल रही है, तो जब से मैं एडिटिंग ही सीख रहा हूँ। तो अब बस आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप एडिट करते हैं, बस चलते हैं आप। तो सिंपली हमारी वीडियो पूरी मतलब यहीं ख़त्म करते हैं। तो 4 एप्लीकेशन के बारे में आपको बता दिया है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको नई वीडियो मिलती रहेगी। तो अब चलते हैं, ख़त्म करते हैं वीडियो।